देखिए जहाँ तक फीचर्स लीक की बात है तो काफ़ी सारी चीज़ें लीक हुई हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें इसके अंदर, तो आप कह लीजिए कि इसके अंदर जो टायर साइज़ है आपको आर, सबसे बड़ा कमाल जो एटलीस्ट फैमिली में फैमिली इसको लाइक करने वाली है, देखिए स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको एक छोटे वाला सनरूफ, नॉर्मल सनरूफ आता है, तो 7 एयरबैग्स मिल जाएंगे। और ये आता है इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलर और इंफोटेनमेंट सिस्टम है 10.25। सबसे कमाल की बात इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर, नमस्कार भाइयों, अगर आप मार्केट के अंदर है एक लाइफस्टाइल ऑफ रोडिंग व्हीकल ढूंढने के लिए और आपका जो बजट है वो 15 लाख से 20 लाख रुपए तक के बीच में है, तो थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, क्योंकि अगस्त के महीने तक महिंद्रा अर्मादा को लॉन्च करने वाला है, जो कि जो अर्मादा है वो एक कह लीजिए नाम दिया है महिंद्रा ने 5-डोर थार को, जो 2024 में ये लॉन्च करेंगे। देखिए आज की डेट के अंदर इस बजट रेंज के रेंज में आपके पास मोटा मोटी 3 ऑप्शंस हैं। आपका 3-डोर थार है जो आपका जो आपको कह लीजिए प्योर ऑफ रोडर्स के लिए व्हीकल है, लेकिन आप ओकेजनली उसको डेली ड्राइव के लिए भी यूज़ करते हैं और कर सकते हैं। फिर आपके पास एक 5-रोडर SUV है मारुति से जिमनी, जो कि उतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं है जैसे कि आपका थार है। थार ऑलमोस्ट 5000 से लेके 5500 थार हम हर महीने हमेशा बेचता है, हर महीने बेचता है। फिर आपके पास फोर्स की गुरखा है जो कि देखने में बहुत, उसका जो लुक है बहुत इम्पोजिंग है, बट पावर के मामले में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और महिंद्रा थार के सामने नहीं टिकती। तो मार्केट के अंदर एक कह लीजिए एक स्पेस है ऑफ रोड एंथुसियास्ट ऑफ रोडर्स के लिए, जो बेसिकली वो ऐसे लोग हैं जो 60% डेली कम्यूट के लिए व्हीकल को यूज़ करते हैं और 40% और उस अपना ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, एक फैमिली के लिए भी उनको एक कार चाहिए होती है, तो उस टाइप का एक गैप है मार्केट के अंदर। और महिंद्रा विद दिस अर्मादा जो 5 डोर्स में आएगी विद लार्जर व्हील बेस कंपेयर टू एक्सिस्टिंग थार, इसी वैक्यूम को पूरा करने वाली है। काफ़ी सारे स्पाई शॉट्स ऑलरेडी ही लीक हो चुके हैं यूट्यूब्स पे और इंटरनेट पे, और आज का जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो फीचर्स की लिस्ट है, जो क्वाइट फैसिनेटिंग है, क्वाइट इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग थार यूज़ जो लोग स्कॉर्पियो एन को ओन करते हैं, मेरे जैसे लोग जो स्कॉर्पियो एन को यूज़ करते हैं, और मेरे जैसे भाइयों का बहुत हार्ट बर्न होने वाला है, क्योंकि जो इसकी जो थार की जो फीचर लिस्ट जो मैं देखता हूँ उसके हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि महिंद्रा इसको पोजीशन करने वाला है बिटवीन स्कॉर्पियो एन एंड XUV 700। तो भाइयों लास्ट तक इस वीडियो के अंदर बने रहिए, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको मैं बताने वाला हूँ। और अगर आपको कोई कमेंट या लाइक है, प्लीज़ कमेंट, कोई रिकमेंडेशन है या कोई फीडबैक है, आप कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं हूं संदीप, आपका होस्ट फ्रॉम काफी मोटो। तो देखिए जैसे मैंने पहले कहा इस वीडियो के अंदर, अभी तक की जो ये थार है वो एक प्रॉपर ऑफ रोडर्स के लिए तो बेहतरीन SUV है, बट एक एंथुसियास्ट के लिए उतनी बेहतरीन नहीं है, क्योंकि फैमिली को इसके अंदर ड्राइव करना, एर्गोनॉमिक्स वगैरह इतने सूटेबल नहीं है फैमिलीज के लिए। आप एट अ स्ट्रेच में भी ऑन अ हाईवे 200-250 किलोमीटर चला सकते हैं, बट उसके बाद आपको टायरिंग फील होने लगता है। इसी कमी को दूर करने के लिए अर्मादा आ रही है अगस्त में। तो देखिए जहाँ तक फीचर्स लीक की बात है तो काफ़ी सारी चीज़ें लीक हुई हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें इसके अंदर, तो आप कह लीजिए कि इसके अंदर जो टायर साइज़ है आपको R19 इंच के आपको इसके अंदर रिम मिल जाएगा और 250x60 प्रोफाइल के आपको इसके अंदर टायर्स मिल जाएंगे। जो वीडियोस लीक हुए हैं उसके अंदर MRF के टायर्स यूज़ हुए हैं, लेकिन जैसे आपने स्कॉर्पियो एन के अंदर भी देखा बहुत सारे टाइप के जो टायर्स हैं यूज़ हुए हैं, सेम केस होने वाला है आपका महिंद्रा थार के अंदर भी। सबसे बड़ा कमाल जो एटलीस्ट फैमिली में फैमिली इसको लाइक करने वाली है, पैनोरामिक सनरूफ। देखिए स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको एक छोटे वाला सनरूफ, नॉर्मल सनरूफ आता है, XUV 700 में आपको प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ आता है, तो इसके अंदर महिंद्रा थार के अंदर भी पैनोरामिक सनरूफ ही आने वाला है। अर्मादा के अंदर आपको 6-7 एयरबैग्स मिल जाएंगे और ये हार्ड टॉप वेरिएंट के साथ आएगा, जो कि परमानेंट हार्ड टॉप वेरिएंट के साथ आएगा, जो अभी करंट वर्जन के थार में नहीं आता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलर और इंफोटेनमेंट सिस्टम है 10.25 इंचेस का फुली डिजिटल रहने वाला है, जो अभी के केस में नहीं मिलता है।
स्टीयरिंग व्हील आपका सेम जो एक्सयूवी 700 का स्टीयरिंग व्हील यूज होता है वही इसके अंदर भी यूज होने वाला है। सेंट्रल आर्मरेस्ट मिलेगा इस साइज की कार के लिए आपको चाहिए होता है। सबसे कमाल की बात इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स आपको मिलने वाले हैं, जो कि एक्चुअली मैं मिस कर रहा था कि थोड़ा मॉडर्न फीचर है, आजकल सभी गाड़ियों के अंदर आ रहा है, स्कॉर्पियन के अंदर नहीं आता है, तो थोड़ा सा एक मिस रह जाएगा। जहाँ तक इसके इंजन ऑप्शंस की बात है तो देखिए सेम इंजन ऑप्शन जो आपको स्कॉर्पियो एन के अंदर मिलते हैं वही आपको इंजन ऑप्शन डीजल और पेट्रोल दोनों के अंदर मिलने वाला है। आपका जो 150 bhp या 320 nm का जो टॉर्क आपको डीजल मिल जाएगा और आपको वही 160 bhp की पावर और 300 nm का टॉर्क आपको पेट्रोल के अंदर मिल जाएगा। जहाँ तक इसके देखिए सस्पेंशन की बात है तो फ्रंट और बैक सस्पेंशन वही है जो आपके स्कॉर्पियो एन के अंदर यूज़ होता है। आपका जो इसके अंदर 4x2 का जो वेरिएंट आएगा, हालांकि अर्मादा के अंदर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि महिंद्रा पहले 4x4 को लॉन्च करेगा और उसके बाद में 4x2 आएगा, लेकिन 4x2 के अंदर भी आपको जो ऑल टेरेन मोड आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो बिकॉज दिस 4x2 वर्जन विल हैव इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम जो बैक साइड में आता है। जहाँ तक देखिए इसकी डोर पॉकेट्स की बात है, बाकी जो फीचर्स हैं सेम आपको जो स्कॉर्पियो एन के अंदर मिलते हैं वो आएंगे। आपको पीछे में रीडिंग लैंप मिल जाएगा, रियर एसी वेंट भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। जहाँ तक लेट डाउन की बात है, देखिए आज की डेट के अंदर जहाँ जब हम MLD की बात करते हैं, MLD आपको महिंद्रा ने अर्मादा के अंदर से निकाल दिया है। ये MLD क्वाइट इफेक्टिव फीचर है जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं, यहाँ तक कि बोलेरो और TU300 के अंदर भी आता है, पर महिंद्रा ने ये फीचर रिमूव कर दिया है थार के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये लोग अब देते हैं इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिप जो थोड़ा सा इन्फीरियर है कंपेयर टू द MLD। ऑटो डिमिंग इसका रियर व्यू मिरर मिल जाएगा, आपको जो साइड वाले जो मिरर्स हैं वो आपको ऑटो फोल्डिंग वाले मिल जाएंगे, जैसे कि आपको स्कॉर्पियो एन के अंदर भी मिलते हैं। देखिए सबसे खास बात, थार अर्मादा के अंदर आपको 360 डिग्री का कैमरा मिलने वाला है और आपको ADAS का फीचर भी मिलने वाला है। ये दोनों ही फीचर आपको स्कॉर्पियो एन में भी नहीं मिलते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स जो आप स्कॉचिंग हीट उससे बचाने में बहुत हेल्प करती है जब आप ड्राइव लॉन्ग ड्राइव पे स्पेशली जाते हैं, वो भी आपको थार के अंदर मिलने वाला है। तो है ना फैसिनेटिंग, कितने सारे जो एडिशनल फीचर्स है थार के अंदर मिलने वाले हैं। देखने वाली ये बात रहेगी प्राइसिंग के हिसाब से महिंद्रा इसको कहाँ पे पोजीशन करता है। अब आते हैं देखिए वर्डिक्ट की बात, जहाँ तक मेरा ख्याल है फीचर को देखते हुए तो मुझे साफ साफ पता चलता है कि स्कॉर्पियो एन से थोड़ा सा ऊपर इसकी पोजिशनिंग होने वाली है। जहाँ तक ऑफ रोडिंग और डेली कम्यूट की बात है, स्कॉर्पियो एन इज स्टिल द बेस्ट। अगर आप एक प्रॉपर ऑफ रोडर हैं तो अभी मेरे ख्याल से आपको अभी भी थ्री डोर थार ही अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपके पास आप एक कह लीजिए एंथुसियास्ट हैं जो ओकेजनली ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं, कह लीजिए 60-40 मान लीजिए 60% ऑफ रोडिंग 40% कह लीजिए डेली कम्यूट या हाईवे क्रूजिंग, देन यू विल लाइक अर्मादा वेरी मच बिकॉज इट विल हैव अ लार्जर व्हील बेस और फैमिली के लिए भी काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन रहेगा कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग वर्जन। हालांकि जो सीट का जो अर्गोनॉमिक सीटिंग पोजिशन वगैरह है वो अभी भी मुझे डिजास्टर ही नज़र आती है, लेकिन स्टिल यू सिंस बिकॉज ऑफ द लार्जर व्हील बेस गाड़ी के अंदर स्पेस मिलेगा और टू प्रॉपर रोज रहेंगी जिसके अंदर फैमिली आराम से बैठ सकती है और अपना जो आपका जो सामान है वो उसको भी आप एडजस्ट कर पाएंगे। हाँ, बॉटल्स वगैरह रखने के चैलेंजेस, सीट पॉकेट्स वगैरह भी इसके स्मॉल ही दिखने वाले हैं, तो बॉटल्स को कैसे आप एडजस्टमेंट करेंगे फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, लॉन्ग ऑफ रोडिंग ड्राइव्स, वो अभी भी चैलेंज रहेगा। लेकिन अगर आप फीचर्स की जो लॉन्ड्री लिस्ट है उसको देखें तो मुझे पर्सनली फील होता है अर्मादा इज़ गोइंग टू बी कह लीजिए गोइंग टू बीट स्कॉर्पियो एन इन सेल्स नंबर्स। आपका इस बारे में क्या फीडबैक है, क्या कमेंट है, आप जरूर बताइए कमेंट करके। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ फीचर्स की लिस्ट मैं इसके अंदर कवर नहीं कर पाया, उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। सारे फीचर्स जो मैंने आज कवर किए वो सबके सब बेस्ड ऑन द स्पाई शॉट्स हैं, आई मे बी रॉन्ग इन, और जो फाइनल जो प्रोडक्ट वर्जन निकले जो लॉन्च हुए हो सकता है उसके अंदर कुछ प्लस माइनस हो जाए, उसके लिए एडवांस में ही अपोलॉजीज।
तब तक के लिए टाटा।